स्टूडेंट गुड इवनिंग। आज हम लोग पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 4 करेंगे, ऑडी टू एटम। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डैस डाइड ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 26। कौन है जो ट्यूबरक्लोसिस मीन्स टीबी एक टाइप की बीमारी है जो कि एज ऑफ 26 पे ही वो डेथ कर गए। ऑप्शन है जोन कीटेंस, बी है जोन डोन, सी है केकी एन दारूवाला एंड डी है टीएस इलियोट्स। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 का ए आंसर हो जाएगा ट्रू, जो कि वो उनका एज अभी 26 साल का ही था लेकिन बीमारी की वजह से ट्यूबरक्लोसिस मीन्स टीबी की वजह से वो डेथ कर गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु हैज़ कंपोज द पोएम ऑडी टू एंटन। सो ऑप्शन ए है किड्स, बी है वर्ल्ड वॉर्थ, सी है कैलिड्रिच एंड डी है सैली। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, किड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑडी टू एंटम इज रिटन इन, कह रहा है कि ऑडी जो चैप्टर है वो कब लिखा गया था। ऑप्शन है अक्टूबर 1819, बी है सितंबर 1819, सी है नवंबर 1819 और डी है दिसंबर 1819। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सितंबर 1819। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ऑडी टू एटम इज जो चैप्टर है ऑडी टू एटम वो क्या है। ऑप्शन ए है एन इपिक, बी है एन एलर्जी, सी है एन ऑडी एंड डी है अ ब्लैडर। सो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, एन ऑडी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, इन ऑडी टू एटम कीटेंस डील विथ डैस इन डिटेल, कह रहा है जो चैप्टर नेम है ऑडी टू एटम उसमें जो राइटर है किट्स वो किससे डील करते हैं। ऑप्शन ए स्प्रिंग, बी है विंटर, सी है समर, डी है एटम। सो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, ऑडी टू एटम कंसिस्ट ऑफ, जो ऑडी जो है चैप्टर वो किससे कंसिस्ट कर रहा है। ऑप्शन ए 4 स्टेंजा, बी है 3 स्टेंजा, सी है 5 स्टेंजा और डी है 6 स्टेंजा। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 3 स्टेंजा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, द थीम ऑफ हु एंटम इज, कह रहा है जो थीम है चैप्टर का वो क्या है, मतलब एंटम का। ऑप्शन ए स्कार सिटी, बी है अबिडेंडेंस, सी है फुलफिलमेंट मैच्योरिटी एंड डी है नॉन ऑफ दीज। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मैच्योरिटी है। क्वेश्चन 8 है, किड्स वॉज डैश पोएट, जो चैप्टर में हमारे राइटर है वो किस टाइप के पोएट थे। ऑप्शन ए रोमांटिक, बी है विक्टोरियन, सी है मॉडर्न, सी है नॉन ऑफ दीज। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रोमांटिक टाइप का वो लिखते थे इसलिए हमारा ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, हु कॉल द ऑडी टू एटम किड्स मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल द ऑड, कौन है जो मतलब चैप्टर से पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। ऑप्शन ए है ड्राइडन, बी है कोलेड्रिज, सी है वर्थ वर्स एंड डी है अर्थन्स कंपोन्स रिकर्ड्स। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, इच स्टेंजा बॉडी टू एटम कंसिस्ट, जो इच चैप्टर में स्टेंजा होता है वो इच स्टेंजा क्या कंसिस्ट करता है ऑटम के बारे में। सो हमारा ऑप्शन ए है 11 लाइंस, बी है 12 लाइन, सी है 13 लाइन और डी है 14 लाइन। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 11th लाइंस। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, हु हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन ऑडी टू एटम्स, कौन है जो पर्सनिफाइड कर रहा है एटम्स में। ऑप्शन ए स्प्रिंग, बी है एटम्स, सी है विंटर एंड डी है समर। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एटम में। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, जॉन किट्स हैज़ रिटन द पोएम, जॉन किट्स जो है वो कौन से इसमें से पोएम लिखे। ऑप्शन ए है एन इपिथेप, बी है ऑडी टू एटम, सी है द सोल्जर एंड डी है फ्री फायर रिम्ड। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑडी टू एटम।
क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं. द ब्लैंड विद द एप्पल द मोसिस डी कोलेटिस ट्री इज फ्रॉम. कह रहा है कि ये जो आपके चैप्टर्स में लाइन दिया है कि जो ब्लिट्स ब्लैंड एप्पल था वो कॉर्टिस था, और ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया. ऑप्शन ए है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बी है ऑडिट टू अर्थम, सी है स्नेक एंड डी है फायर रिंग. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑडिट टू एंटम. क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं. कंप्राइजिंग विथ हीम हाउ टू लोड एंड ब्लेस इज टेकन फ्रॉम. ये जो कंप्राइजिंग है खुद से और डील है और ब्लेस्ड है वो कहाँ से लाइन लिया गया है. ऑप्शन ए है ऑडिट टू एंटम्स, बी है स्नेक, सी है फायर इंथ एंड डी है एन एपिथेल. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं. डैस वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर. कौन है इस सारे ऑप्शन में से पोएम जो बहुत ही महान थे लवर नेचर के, जो प्रकृति के बहुत ही करीब थे. ऑप्शन ए है जॉन किट्स, बी है जॉन डोन, सी है डब्ल्यू एच ऑर्डन एंड डी है वॉल्ट विटमैन. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं. इन डैश न्यू लिप्सिस एंड फ्रूट कम आउट ऑन ट्री. अभी भी आप कुछ दिन बाद देखोगे कि स्प्रिंग सीजन आएगा, अटम सीजन आएगा, जो कि पत्ते पेड़ पे से सारे पत्ते गिर जाएंगे और न्यू पत्ते आएंगे और फ्रूट भी आएंगे. तो इसमें से कौन से सीजन में आएगा. ऑप्शन ए स्प्रिंग, बी है अटम, सी है समर एंड डी है विंटर. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अटम, पत्तेझड़ जिसे बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 17 है. एंड गैदरिंग स्नोवल्स ट्विटर इन द एस्कीज इज टेकन फ्रॉम. ये डायरेक्टली लाइन तो हमारे चैप्टर से है. इसमें से पूछ रहा है कि दे दिया है लाइन गिवन है और कह रहा है कि कौन सा चैप्टर से है. ऑप्शन ए स्नेक, बी है द सोल्जर, सी है ऑडिटो एंटम्स, डी है एन एपिथेल. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं. सीजन ऑफ द मिट्स एंड द मीडो फ्रूट फुलफिलनेस इज रिटर बाई. वही है जो पतझड़ जो होते हैं उसके बाद पेड़ पे नए पत्ते आते हैं, नए फ्रूट आते हैं, तो उसके राइटर कौन है पूछ रहा है कि ये रिटन किसके द्वारा है. ऑप्शन है जॉन डोन्स, बी है वॉल्ट विटमैन, सी है डब्ल्यू एच ऑर्डेंस एंड डी है जॉन किट्स. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. क्वेश्चन नंबर 19 है. थो वॉच इज द लास्ट ऑजिंग आवर बाई आवर इज अ रूम. ये लाइन है चैप्टर की आपकी और कह रहा है कि किस चैप्टर से है. ऑप्शन ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बी है एन एपिथेल, सी ऑडी टू एटम एंड डी है स्नेक. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑडी टू एटम. क्वेश्चन नंबर 20 है. हु सिट्स केयरलेसली ऑन द ग्रेनरी फ्लोर इन ऑडी टू एटम. कौन है जो मतलब केयरलेस कहाँ पे भी कैसे भी किसी भी तरीके पे बैठ जाता था ग्लोसरी फ्लोर पे. ये चैप्टर नेम भी दिया है और पूछ रहा है वो कौन है. ऑप्शन ए है ओल्ड मैन, बी है चिल्ड्रेन, सी है यंग मैन एंड डी है वुमेन. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वुमेन. जो वुमेन थी वो किसी भी तरीके से कहीं भी बैठ जाती थी फ्लोर पे, जो कि गिवन है ये लाइन ऑडियो टू एटम्स. स्टूडेंट ये मेरा चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ पोएट्री सेक्शन का. प्लीज़ इसके पहले चैनल पे सारे वीडियोस हैं बुक्स के बाद पढ़ने के बाद तुम इस वीडियो को देख सकते हो और ख़ुद से प्रैक्टिस कर सकते हो. थैंक यू सो मच स्टूडेंट, लॉट ऑफ थैंक्स.